नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और एक खास विषय है किसानों से जुड़ा हुआ। जैसे कि आपको पता है 20 तारीख से गेहूं जो है मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। और अभी मैं जो मौजूद हूं सफीदों की नई अनाज मंडी में, और हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आढ़ती भी हैं, किसान भी हैं और नेता भी हैं, विजय हमारे साथ हैं, एडवोकेट। सर, क्या तैयारियां लग रही हैं और कितना आपको चैलेंजेबल लग रहा है आपकी बार, क्योंकि 20-20 50-50 किसानों को मंडियों में बुलाया जाएगा और 20 तारीख से खरीद भी शुरू होनी है। तो किसान, यदि मुझे जो लगता है कि अंदेशा भी है कि ज़्यादा किसान एकदम मंडी में आ सकते हैं, कैसे हालातों में काबू पाया जा सकता है, क्या तैयारियाँ लगती है आपको? नहीं, प्रशासन की तरफ से या मार्केट कमेटी कह लें, हम इनकी तरफ से तो कोई तैयारियाँ नहीं लग रही हमें। हमारी जब भी किसी भी अफसर से, मार्केट कमेटी के अफसर से बात करते हैं हम इस बारे में, क्योंकि जी किसान, मैं खुद भी किसान भी हूँ, आढ़ती भी हूँ जी, तो दोनों चीज़ों का मुझे पता है कि कहाँ पे क्या परेशानी आएंगी जी। ज़मींदार को, फार्मर को भी परेशानी है, जो सरकार के ऑर्डर आ रहे हैं, जो डेली बयान आ रहे हैं सरकार के, कभी मुख्यमंत्री, वैसे तो इनके सुबह बयान कुछ होता है, शाम को बयान कुछ होता है, मगर जो आजकल ये है कि इन्होंने कहा है कि 50 किसान एक टाइम में आएंगे, वो तो मतलब ग्राउंड की पॉलिसी नहीं है ये, जो ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी होनी चाहिए बिल्कुल उससे उल्टी है। ये पॉसिबल ही नहीं है 50 फार्मर एक टाइम में आए और 50 उसके बाद शाम को आए। अफरा तफरी का माहौल होएगा, भीड़ भड़ाका होएगा गेट पर, क्योंकि हर किसान है, ज़मींदार है, वो सोचता है कि अपना गेहूँ जल्दी बेच के, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती हैं खेत में गेहूँ खड़ा है, थोड़ी सी भी आग लग जाए कहीं एक जगह तो किसान की जो 6 महीने की फसल है गेहूँ की, वो 1 मिनट लगती है, पूरी राख हो जाती है। तो वो इतना बड़ा डर है किसान के दिमाग में, और सरकार कहती है कि इसको 20 तारीख के बाद खरीद करेंगे, मगर उसका भी ये नहीं पता कि कौन सा किसान, कौन सा ज़मींदार कब लेके आएगा। ना ही आढ़तियों को कोई ऐसा दिशा निर्देश आया है, हमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आया, कोई आदेश नहीं आया कि हम किस तरीके से किसको बुलाएंगे। कह दिया इन्होंने अपने जो भी इन्होंने भाषण दिए उसमें बोल दिया है कि 50 आएंगे, मगर आएंगे कौन से 50 आएंगे, कब आएंगे, किसको बुलाया जाएगा, क्यों बुलाया जाएगा, मतलब कितने गेहूँ लेके आएगा, कितने नहीं लेगा, कुछ भी नहीं पता। ना ही किसी अधिकारी को पता, ना ही किसी अफसर को पता, मार्केट कमेटी को नहीं पता, प्रशासन के किसी को नहीं पता। और इस वजह से मैं, आप 20 तारीख आने वाली है, आप देखना कितना अफरा तफरी होगी इस वजह से, जो ये, क्योंकि ग्राउंड की कोई पॉलिसी नहीं है ये। क्या लगता है, एक IAS अधिकारियों द्वारा किसी AC रूम में बैठ के कोई फैसला ले लिया गया, क्या मानते हो? नहीं, ये जो अधिकारी हैं सिर्फ AC में बैठ के, जो ज़मींदार के साथ, किसान के साथ एक खेत में जो उसके साथ बीत रही है, वो उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। और जो वहाँ पे फैसले होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे ना तो कामयाब हो सकते। जो ये फैसला है, ये आप देख सकते हो, ये बनाए हुए हैं अभी इन्होंने, मार्केट कमेटी ने ये बॉक्स बनाए हैं, और वो उन्होंने हमें कहा है कि इस बॉक्स में एक ज़मींदार के गेहूँ डलेंगे, इसमें तो एक ट्राली के गेहूँ भी नहीं आ सकते। अब इसमें कैसे तो व्यवस्था होगी, क्या होगी, ना ही हमें ये बताया है कि कितने किसके बॉक्स, किसकी दुकान के आगे कितने हैं, किसको कितने अलॉट होंगे, उसके बाद किस किसान को बुलाएंगे। तो ये जो उनकी पॉलिसियाँ जो वहाँ AC में बैठ के अफसर बना रहे हैं ना, बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ स्तर पे, जो ग्राउंड लेवल का स्तर है, कोई कामयाब नहीं होगी, और इसमें अफरा तफरी होगी, बुरा हाल होगा आढ़तियों का भी, ज़मींदारों का भी, और मतलब बहुत बड़े नुकसान होने की अंदेशा है इस बात में। ऐसे में अभी मात्र 4 दिन सरकार के पास है, खासकर सफीदों की मैं बात करता हूँ। हमारे यहाँ पहले 6 खरीद केंद्र होते थे, उसमें से खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में मैं बात करूँ, जैसे सिवाना माल है, मुआना है, या एंसरा कला है, हाट है, ऐसी जगहों पर जहाँ दिन में बिजली देना पॉसिबल नहीं है, वहाँ कैसे ऑनलाइन चीज़ें रहेंगी, कैसे उन चीज़ों को लेकर क्या होगा? ये मैं बहुत बढ़िया बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है ये ऑनलाइन का जो किया है सरकार ने। एक तो सबसे पहली तो बात कि हमारे जो आपदा आई हुई है कोरोना वायरस की, इसके बावजूद सरकार ने 1% भी नहीं सोची। एक तरफ तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये कह रहे हैं कि पालन करो, आप अभी भी मार्केट कमेटी में जाके देख सकते हो। दूसरी तरफ सरकार ने क्या कहा कि अपने जो गेहूं किसान ने लगाई उसकी रजिस्ट्रेशन कराओ, वो अनिवार्य है, उसके बिना ये नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे तो आखिरी में खरीदेंगे, उसका नहीं पता कि खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, किस तरीके से खरीदेंगे।
रजिस्ट्रेशन का जो इन्होंने एकदम से रूल मैंडेटरी करा है, अनिवार्य किया है, उसमें भीड़ लगी हुई है, नंबर नहीं पड़ रहे पूरा पूरा दिन पहले। तो अब किसान है अपने खेत में गेहूं संभाले या अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद अब इन्होंने क्या कहा कि गांव के अंदर जो भी सेंटर बनाए हैं उसमें भी ऑनलाइन ही गेहूं खरीदेंगे, ऑनलाइन ही इनके पास आएंगे, ऑनलाइन ही जे फार्म कटेंगे। सरकार को खुद पता होना चाहिए, इन अफसरों को जो एसी में बैठते हैं इनको पता होना चाहिए, खुद इनके इनकी ही पॉलिसियां हैं कि गाँव के अंदर दिन के अंदर लाइट नहीं दी जाती, क्योंकि लाइट से ट्रांसफार्मर से कुछ ना कुछ पतंगा गिर के आग लगने का खतरा होता है फसल के अंदर। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऑनलाइन कटेगा, जब पूरा दिन लाइट नहीं आती, लाइट नहीं देते, तो वो ऑनलाइन कैसे कैसे, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा सक्सेसफुल कैसे होगी ये इनकी जो भी पॉलिसी, ये ई जो इन्होंने ऑनलाइन का सारा किया है कि ई खरीद करेंगे, ऑनलाइन खरीद करेंगे, ऑनलाइन पास बनाएंगे, ना तो कोई मतलब ऐसे दिशा निर्देश आए हैं कि वो पास किसको मिलेंगे, हमें आड़तियों को करने हैं, किसान को सीधा मिलेंगे, एक किसान कितने टाइम में कितनी गेहूं लेके आ सकता है, किसी किसान का 10 एकड़ लगाई है, किसी ने 2 एकड़ लगाई है, अब ये कह दें कि एक किसान लेके आएगा आज, क्या वो पूरी 10 एकड़ की लेके आएगा, या उसके लिए भी निर्धारित है कि वो एक किसान एक टाइम में 1 एकड़ की 2 एकड़ की या इतनी क्विंटल लेके आएगा, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, सब अंधे बने बैठे हैं कि क्या होगा, किसी को नहीं पता। 20 तारीख को अब राम भरोसे है, जमींदार भी, किसान भी और एक आड़ती भी, सब राम भरोसे हैं। सफीदों जो मंडी है उसमें लगभग 300-400 आड़ती हैं, और उन्होंने एक तरीके से लगभग किसानों को सपोर्ट करने के लिए 1000 करोड़ के करीब जो है इन्वेस्ट की हुई है, क्योंकि 500 से 1000 मेरे पास जो आइडिया है वो 500 से 1000 करोड़ रुपए जो है किसानों को एक कहीं ना कहीं बांटा हुआ है। ऐसे में कैसे आड़ती को वो पैसा उसकी जेब तक आएगा, क्या तरीका सरकार को आपको लगता है कि उन आड़तियों तक वो पैसा पहुंच पाएगा, किसान क्या उनका पैसा लौटा पाएगा, उन चीज़ों को लेकर क्या कहोगे? अब यही तो सबसे ज़्यादा परेशानी है कि ये जो पॉलिसी बना रही है, जो नीतियाँ बना रही है सरकार, ये असफल होंगी, क्योंकि हमारे ज़मीनी स्तर पे कुछ भी मतलब ये नहीं सोच रहे, ना तो किसान का सोच रहे, ना ही आड़ती का सोच रहे। सरकार कभी भी आधी रात को सरकार नहीं अवेलेबल होती, किसी ज़मींदार को किसान को आधी रात को बीमार हो जाता है, उसको कोई ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सरकार कभी भी नहीं अवेलेबल होती, ना हाथ खड़े करती है। उन्होंने एक लिमिट बना दी, अगर लिमिट यूज़ हो गई उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी उनके ब्याज है जो भी है सारा सिस्टम कहती है कि ब्याज माफ़ करेंगे, ना इनके कुछ होता, ना ही ज़मींदार को वो सुविधाएँ मिलती। उसके बाद ये अब की बार तो अभी तक हमारे पास ऐसे निर्देश नहीं है कि डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी, उसमें दोनों को ही नुकसान है, किसान को भी नुकसान है और आड़ती को भी नुकसान है। आड़ती को सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी एडवांस देते हैं, जो भी किसान की ज़रूरतों के लिए, क्योंकि ठेका देना होता है, उसके बाद बुआई का, कटाई का, दवाई का सारा खर्चा होता है, ज़मींदार के पास किसान के पास इतना नहीं होता कि वो सब खर्चे अपने पास से कर ले, वो आड़ती से काम चलाना पड़ता है। अगर वो डायरेक्ट जाएंगे, जो मैं सबकी नहीं कहूँगा, उसके बाद आड़ती देना बंद कर देंगे, फिर वो कहाँ से चलेगा? जो ठीक ज़मींदार है, ठीक किसान है, जो अपना एक खर्चा घर का काम चला रहा है, एक ठेके पर लेकर अपने बच्चों को पाल रहा है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जब उसको ठेके के पैसे नहीं मिलेंगे, उसको अपने दवाई के नहीं मिलेंगे, कटवाई के नहीं मिलेंगे, किसी चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे, तो कैसे अपना घर चलाएगा? बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है आने वाले हमारे किसान भाइयों को भी और आड़तियों को भी। तो ऐसे में आपका कोई सुझाव जो सरकार को मानना चाहिए या किसानों को राहत दे सकता है, और किसानों को ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे? सबसे तो पहली बात कि जो हमारे गेहूं का सीज़न पहले होता था, अब की बार से पहले सिर्फ 15 दिन का सीज़न होता था, और नॉर्मली क्या होता है, कंडा पर्ची आती है, काटा पर्ची, जो उस पर्ची के हिसाब से किसान डाल जाता है मंडी के अंदर। पहले भी मंडी में गेहूं के सीज़न में किसान नहीं होता था, सिर्फ लेबर और आड़ती होते थे। पता नहीं, सरकार को पता ही नहीं ज़मीनी सतर पे क्या होता है क्या नहीं। सरकार शायद ये सोच रही है कि ज़मींदार यहाँ खड़े रहते हैं गेहूं के सीज़न में, तो कभी भी ज़मींदार खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसको आगे अपनी और गेहूं लेके आनी होती है, तो वो यहाँ पे सिर्फ अनलोड करके और वो चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ काटा पर्ची से उसकी सारा वेट होता है, उसके बाद ये होता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली ही सोशल डिस्टेंसिंग हो जानी थी,
क्योंकि ज़मीनी स्तर की नॉलेज नहीं है शायद वहाँ एसी में बैठे अफसरों को, तो उनको ये चीज़ का ना तो मालूम है ना ही वो शायद पता करना चाहते, और इसकी वजह से सभी के सभी हमारे ज़मींदार, क्योंकि 50 आप खुद एक बार अंदाज़ा लगाओ कि 50 ज़मींदार 50-50 ज़मींदार करके कितने दिनों तक कैसे पूरे क्यों, हजारों लाखों की संख्या में हमारे यहाँ किसान हैं, 50-50 डेली के 100 आप किसान लगा लो, अब जबकि हमें ये नहीं पता है कि एक किसान कितना लेके आएगा। अब एक किसान के 200 या 400 क्विंटल है, अगर सरकार कहती है कि एक किसान एक दिन में 10 क्विंटल आएगा, तो उसी को अगर उसको 200 क्विंटल की हो तो उसको ही लेके आने में 20 दिन लग जाएंगे, तो दूसरे किसान का कब नंबर आएगा, कुछ भी नहीं पता। तो बहुत बहुत ज़्यादा फेल होने वाला है और बहुत ज़्यादा असमंजस का माहौल होगा 20 तारीख के बाद, देखना कि मंडी में यहाँ पर लाइन लगेगी, और वो जो जिस चीज़ को बचाना चाह रही है सरकार, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाह रही है या फिर जो भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका उल्टा होगा। क्योंकि जैसे अभी आपने अभी भी देखा कि जितना सरकार की तैयारी तो होती नहीं ये काम करने की कोई भी ज़मीनी स्तर पर, उसके बाद फिर वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले अभी दिल्ली में भी मुंबई में भी यही काम हुआ है, क्योंकि वो तैयारी है नहीं उसको पालन कराने की, और वो फिर वही दिक्कत आ जाती है कि भीड़ वो उससे जितनी रोकना चाहते हैं उससे ज़्यादा हो जाती है। और यही काम यहाँ मंडियों में सभी पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में ऐसा ही काम होएगा कि जितना ये रोकना चाह रहे हैं ना उससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होएगी इस वजह से। अगर नॉर्मल रूटीन में चलता, थोड़ी सी हिदायतें होती कि हिदायतें दो आप किसान को, जागरूक करो कि आप लोग मंडी में ना हो, सिर्फ एक किसान आए मंडी में ट्रैक्टर अपना लेके, सिर्फ एक जो लेके आ रहा है अपने काटा पर्ची दी आड़ती को, और वहाँ पर बिना रुके सीधा अनलोड करके चला जाए, सबसे बेस्ट है ये तरीका। अगर जो ये अब तरीका है इससे तो सब कुछ फेल होएगा, सारे परेशानी होने वाली बात है सब। ये थे हमारे साथ एडवोकेट विजय, क्योंकि ये एक हल्के के बड़े किसानों में से भी एक किसान है, और इसके साथ साथ वो वकील भी हैं, वकील के साथ साथ वो एक आड़ का भी उनका दुकान मंडी में है और आड़ती भी हैं, और इसके अलावा वो लोगों के बीच कहीं ना कहीं जुड़े मुद्दे उठाते हैं, और सफ़ेदों से खासकर जनता के वो मुद्दे जो एक नेता को उठाने चाहिए वो नेता वाले मुद्दे भी हमेशा उठाते हैं। ऐसे में विजय का जो संशय करने की बात है, कहीं ना कहीं सरकार जो काम कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है, और जो सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर विजय खड़े कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। ऐसे में मंडियों का क्या होगा ये तो फिलहाल 20 तारीख को ही पता लगेगा, क्योंकि 20 तारीख को जो खरीद शुरू होनी है, और सरकार की कितनी तैयारी है वो 20 तारीख को उसकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि इस तरीके से मुझे भी लगता है कि हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।